हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल माहीस पोर्ट्रेट। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा ब्लैक ग्रे स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे किया है। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया। मैंने लैक्मे पीच मिल्क की मॉइस्चराइज़र क्रीम ली है एंड अब मैं अपनी आईज़ पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं आईज़ का मेकअप करूँगी जिससे जो भी फाउल आउट हो मैं उसको ईजिली रिमूव कर दूँ। आप देखिए, मैंने अपनी पूरी आई लिड पर कंसीलर को प्लेस कर लिया है एंड एक इवन कलर आना आईज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेस तैयार होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम जो भी कलर करेंगे वो एक बहुत अच्छे से आएगा। मैं इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग अ पाउडर एंड मैं इसको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। एक लूज़ पाउडर है एंड अब मैं एलेटिन का काजल ले रही हूँ एंड इसको मैं अपनी आईज़ पे आई लाइनर की तरह रफली लगा रही हूँ। बहुत ही फाइन लुक नहीं चाहिए आईलाइनर का, क्योंकि इसको एंड में हमें ब्लेंड ही करना है। बस इसको रफली ड्रॉ कर लेंगे एंड गाइस, नाउ आई एम टेकिंग अ ग्रे शेड एंड इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले अपने आउटर वी पे एंड देन धीरे धीरे इनर वी की तरफ बढ़ना है एंड इसको बहुत ही स्मूथली हल्के हाथ से हमें ब्लेंड करते हुए चलना है, आराम से। बिल्कुल पूरा टाइम देना है इसको। स्मोकी आई लुक में बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग इम्पॉर्टेंट रहती है कि आईज़ में कहीं पे भी ज़्यादा ब्लैक या कम ब्लैक लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पूरा इवन ब्लैक होना चाहिए, इवन कलर आना चाहिए पूरी आई पे। आप देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, पूरा टाइम ले रही हूँ एंड धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाना है। नाउ अब मैं और काजल अप्लाई कर रही हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि एक बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपने आईज़ पे नहीं लगाएं, धीरे धीरे एंड थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाएं एंड उसको फिर धीरे धीरे से ब्लेंड करते हुए चलें। एंड नाउ आई एम टेकिंग अ ब्लैक आई शेडो एंड मैं इसको भी ब्लेंड करते हुए चलूँगी। आप अच्छे से देखिए, मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो अगर कोई भी मिस्टेक हो रही हो तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। करते ही करते सबको आता है एंड मुझे भी आएगा, यू नो। आप देखिए एंड मैं फिर से ये ब्लैक कलर ले रही हूँ एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अभी बस लोअर आई लिड पे प्लेस करना है, उसी को ब्लेंड करना है, अभी हम ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। आप देखिए, एंड नाउ आई एम टेकिंग अ ब्राउन कलर एंड इसको मैं एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ करूँगी एंड इसको अब मैं अपर आई लिड पे ब्लेंड करूँगी, जिससे ये एक ट्रांजिशन लुक देगा। मेरी आईज़ पे कहीं पे भी क्रीजेज नहीं आएंगी एंड मेरा शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। आप देखिए, एक ट्रांजिशन कलर लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कोई और सा भी कलर ले सकते हैं अगर जो आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग हो। मेरी ड्रेस में मोस्टली, मतलब मैं साड़ी पहनूंगी यार, तो उसमें मोस्टली ब्लैक एंड ग्रे का ही कॉम्बिनेशन है, तो मैं वही दो कलर यूज़ करूँगी। आप ऑरेंज भी कर सकते हैं, ऑरेंज का कॉम्बिनेशन भी स्मोकी आई के साथ बहुत सुंदर सा लगता है। आप देखिए एंड मैं बहुत आराम से पूरा टाइम दे के इसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड गाइस, मैं अब जो भी एक्स्ट्रा फॉल आउट हुआ है उसको मैं हटा दे रही हूँ एंड नाउ आई एम अगेन अप्लाई प्राइमर। अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ मैं इसको। ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा और एक इवन लुक देगा स्किन को, जिससे हमारा बेस बहुत अच्छे से सेट होगा। तो प्राइमर तो ज़रूर से ही लगाएं एंड नेक्स्ट टाइम यूजिंग लैक्मे 9 to 5 फाउंडेशन एंड इसको मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। एंड ये फाउंडेशन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक तो बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है एंड ये लो टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन, अगर आप 4 to 5 आवर्स के लिए किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो ये बेस्ट रहता है। एंड इसको मैं अच्छे से एक डैप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। नाउ आई एम टेकिंग स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड मैं इसको अपने हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी एंड अंडर आई में एंड आप देखिए
एंड इसको भी ब्लेंड कर दूंगी। इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, पूरा टाइम दें। एंड मैंने अपने नेक एरिया पे भी लगाया क्योंकि इवन लगना चाहिए लुक। एंड मैं इसको लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर रही हूँ पूरे को। एंड गाइस नाउ आई एम यूजिंग दिस लैक्मे शुगर लिपस्टिक एंड मैं इसको अपने चीक्स पे लगा रही हूँ। मुझे आज कोई भी पिंक टिंट नहीं चाहिए था अपने चीक्स पे ब्लश के लिए, इसलिए मैंने वही लिपस्टिक यूज़ करी है। ये बहुत लाइट शेड में है, इसका शेड हल्का ब्राउन पिंक में है एंड मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। मुझे आज बहुत सिंपल सा लुक रखना चाहिए रखना था, इसीलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। मुझे कोई भी शिमरी कलर नहीं चाहिए था अपने फेस पे। एंड नाउ आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड अच्छे से मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। एंड अब मैं काजल को लगा रही हूँ एंड स्मोकी आइज़ में काजल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काजल बहुत डार्क लगाना है एंड इसको मैं बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। आप देखिए अपने अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन दोनों पे काजल लगाएं। एक पे लगाने पे अच्छा लुक आता है बट दोनों पे लगाने से पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड नाउ आई एम यूजिंग एंगुलर ब्रश एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये एक बहुत फाइन लुक देगा इसको। एंड नाउ आई एम यूजिंग सम एक्स्ट्रा काजल। ब्लेंड करते समय अगर थोड़ा सा भी हल्का हुआ होगा तो मैं उसको करेक्ट कर लूँगी। ये काजल तो आज डार्क ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस मार्स मस्कारा एंड ये बहुत अच्छा लिफ्ट देता है लैशेस को एंड ये अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छा मस्कारा है। इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। आप लोअर आई लैशेस पे भी ज़रूर लगाएं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने आज कोई भी लाइनर नहीं यूज़ किया है क्योंकि स्मोकी आइज़ में ऑलरेडी पूरी आइज़ ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ही रहती हैं, सो आई डोंट थिंक सो लाइनर इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसको मैं अच्छे से लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड नाउ मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, इसको आराम से फिल करना है। एंड मैं एक स्पूली की हेल्प से इसको अच्छे से कॉम कर दे रही हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी साड़ी को पहन लिया है एंड मेरा लुक भी लगभग कंप्लीट ही हो गया है। एंड मैं एक ब्लैक बिंदी लगाऊंगी जो मेरे लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा क्योंकि स्मोकी आइज एंड ब्लैक बिंदी लुक्स वेरी आउटस्टैंडिंग। एंड नाउ मैं अपने लिप्स पे लाइनर लगा रही हूँ एंड विदाउट लाइनर मैं लिपस्टिक सही से अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, सो लाइनर इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मैंने वही शुगर की कलर पॉप लिपस्टिक शेड है 01 अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत सुंदर सा पिंक लिपस्टिक है, आप देखिए। एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब ट्रांसफ़र प्रूफ भी है 99%। ये 4 to 5 hours तक मेरे लिप्स पे एज सच रुकी रही थी। मैं इसको अच्छे से लगा लिया है। एंड गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक। नाउ मैं बैंगल्स पहन ले रही हूँ एंड दिस झुमका। एंड गाइस आप बताइएगा आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, ब्लैक ग्रे स्मोकी आई मेकअप लुक। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड मेरे साथ बने रहें। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।